नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें हिस्ट्री में, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे अर्ली मीडिएवल पीरियड, इट मींस पूर्व मध्यकाल, जिसमें हमने डिस्कशन करना था कि अर्ली मीडिएवल पीरियड में, यानी कि 1212 से 1206 तक का जो समय था, 1206 तक का जो टाइम था, उस समय पर इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इंडिया की राजनीतिक स्थिति क्या थी। और जैसा कि हमने उस टॉपिक को पढ़ा, तो उसमें हमें यह समझ में आया कि उस समय पर इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह से थी कि कुछ छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे, कुछ छोटे छोटे रूलर्स या राज्य हुआ करते थे इंडिया में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में। और इन छोटे छोटे किंगडम्स वाला ही एक टाइम कहलाता है अर्ली मीडिएवल पीरियड। इंडियन किंगडम्स, हिंदू किंगडम्स या हिंदू रूलर्स, हम उनकी बात कर रहे हैं, हिंदू स्टेट हुआ करते थे उस समय पर, क्योंकि मुस्लिम्स का उसी समय इन्वेजन शुरू हुआ, उसी समय मुस्लिम्स का आक्रमण शुरू हुआ। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम था लेक्चर नंबर 3 अर्ली मीडिएवल पीरियड, उसमें हमने बात की इंडिया की उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन। और उसमें हमने बात की सबसे पहले जो लगभग 600 सेंचुरी के अप्रोक्स जो किंगडम्स हुआ करते थे उत्तर भारत में, क्योंकि साउथ इंडिया हम डिस्कस कर चुके हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ही। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे सबसे पहले हमने बात की जब बर्धन डायनेस्टी, आखिरी एंशियंट पीरियड में हम डिस्कस कर चुके थे बर्धन डायनेस्टी, लास्ट इंडिया हिंदू रूलर हर्षवर्धन और उसके बाद या उनके बाद फिर जो डायनेस्टीज बनी थी, जो डायनेस्टीज उभर कर आई थी, छोटी छोटी डायनेस्टीज, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जैसे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी या गुर्जर प्रतिहार वंश, पश्चिम भारत या मध्य भारत में रूल करते थे, एक बड़ा पावरफुल वंश हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश। और वहीं पर पूर्वी भारत, यानी आज का जो बंगाल वाला जो रीजन है, जो बांग्लादेश वाला रीजन है, उस रीजन पर रूल करती थी पाल डायनेस्टी, समझ गए। तो पाल वंश रूल करता था पूर्वी रीजन पर, और साउथ इंडिया में उसी समय रूल करती थी एक मजबूत शक्तिशाली डायनेस्टी हुआ करती थी, दैट इज राष्ट्रकूट डायनेस्टी या राष्ट्रकूट वंश। फिर हम उत्तर भारत को लेकर चल रहे हैं, साउथ इंडिया हमारा अलग चैप्टर है। फिर क्या हुआ, उत्तर भारत में ही जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ और यहां से पाल वंश का जब पतन हुआ, तब उत्तर भारत में छोटे 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 कुछ राजपूत वंशों का उदय हुआ, कुछ राजपूत डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। और अगर हम इन राजपूत किंगडम्स की बात करें, तो ऐसा बोला जाता है साहित्यों में कि टोटल 36 राजपूत किंगडम्स हुए हैं, कुल 36 राजपूत वंश हुए हैं। और उन्हीं राजपूत वंशों में से हमने कुल इंपॉर्टेंट या कुछ जो इंपॉर्टेंट राजपूत वंश थे, जिसमें हमने 8 राजपूत डायनेस्टी सिलेक्ट की और उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और ये जो 8 राजपूत किंगडम्स थी, उनके नाम थे सबसे पहले चालुक्या ऑफ राजपूत, चालुक्यास ऑफ गुजरात या गुजरात के चालुक्यास या सोलंकी भी उन्हें कहा जाता है। इसके अलावा चंदेलास ऑफ जेजाक भुक्ति और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल रूलर्स। और फिर हमने बात की परमार ऑफ मालवा, यानी मालवा के परमार शासक। फिर हमने बात की चेहमान ऑफ सखंभरी, यानी सखंभरी के चेहमान। और फिर हमने बात की कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, इट मींस त्रिपुरी के कलचुरी। फिर हमने बात की छठे नंबर पर जो डायनेस्टी हमने डिस्कस की थी, वो थी गहड़वाल जो रूल करते थे, वो करते थे कन्नौज में, यानी कन्नौज के गहड़वाल। फिर हमने बात की सातवें नंबर पर तोमर डायनेस्टी, जिनका रूलिंग एरिया था दिल्ली और हरियाणा का जो रीजन था, वो था तोमर रूलर्स के कंट्रोल में, जिसके फाउंडर थे अनंगपाल, उन्होंने ही लगभग 736 में दिल्ली शहर की स्थापना की थी, जो आज का दिल्ली है। हालांकि मुगलों ने फिर से स्टेब्लिश किया, या दिल्ली सल्तनत के समय वो अगेन स्टेब्लिश हुआ, फिर अंग्रेजों ने फिर स्टेब्लिश किया तो दिल्ली का बार बार, और एंशियंट पीरियड में भी कुरु महाजनपद थी और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वो दिल्ली ही था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो एक लास्ट जो राजपूत किंगडम हमने पढ़ी, जो काफी लंबी राजपूत किंगडम चली और जो आज तक उसके वंशज अभी भी मौजूद हैं, वो थी सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश में हमने चार सबसे महत्वपूर्ण रूलर्स की अगर हम बात करें, चार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स, जिनमें सबसे पहले आते हैं फाउंडर, जिनका नाम था राणा हम्मीर सिंह, जो फाउंडर कहलाते हैं सिसोदिया डायनेस्टी के। देखिए, अगर हम बात करें राजपूताना या राजपूत, तो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र था, हम उन्हीं सिसोदिया डायनेस्टी की बात कर रहे थे जो मेवाड़ के रूलर्स थे, तो यानी मेवाड़ के सिसोदिया। और वहां पर उस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर या सबसे इंपोर्टेंट रूलर जो रहे हैं, 4 जिनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, वो हैं
राणा हम्मीर सिंह, और राणा हम्मीर सिंह के बाद सेकंड इंपोर्टेंट है राणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया था, और कुंभलगढ़ किला ही राजस्थान का सबसे हाईएस्ट फोर्ट के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने ही जब गुजरात और मालवा के सुल्तानों की संयुक्त सेना को हराया तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने वहां पर एक विजय स्तंभ भी बनवाया था। और उनके बाद आते हैं राणा सांगा, जो अगले इंपोर्टेंट और महान शासक या पावरफुल रूलर माने जाते हैं। राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह सिसोदिया, इट मींस उन्हें ही कहा जाता है राणा सांगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे, 80 उनके शरीर पर चोटें लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और सिर्फ एक युद्ध हारा, जो कि था बैटल ऑफ खानवा, जो जिसमें उन्हें हार मिली थी बाबर के हाथों। इसके अलावा उनका एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आते हैं सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ही पावरफुल रूलर, वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी, या हम कह सकते हैं कि त्याग, बलिदान और शौर्य की जो मूर्ति थी वो थी महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की दास्ता नहीं स्वीकार करी। एक छोटी सी सेना के बल पर ही मुगलों की इतनी बड़ी सेना के सामने डटे रहे, दबे नहीं, और अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रतिरोध करते रहे, किसका? मुगल सेना का। तो इसी तरह से सिसोदिया डायनेस्टी के कुछ रूलर्स हमने बात की, महाराणा प्रताप के बाद भी कुछ रूलर्स की बात की, जैसे उनके पुत्र अमर सिंह और उनके पुत्र फिर करण सिंह। इसके बाद के जो रूलर्स थे उनके ऊपर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है। देखिए, अमर सिंह के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उन्होंने उन्हीं के समय पर 1615 में एक पीस ट्रीटी यानी कि एक शांति की संधि पर साइन किया गया था, और उस समय रूल कर रहे थे जहांगीर। हालांकि उस संधि को नेगोशिएशन किया था किसने? शाहजहां ने। तो वहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनके बाद जो रूलर्स हुए हैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है, इसलिए बाकी के रूलर्स हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी भी काफी रूलर्स होंगे, समझ गए ना, लगभग 25 या 30 रूलर्स हैं टोटल, तो वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने 14-15 रूलर्स तक की बात की सिसोदिया डायनेस्टी में, और आप लोगों को तो सिर्फ चार ही रूलर्स याद रखना है, और वो चार रूलर्स कौन कौन से बता चुका हूं, हम्मीर सिंह, राणा हम्मीर सिंह, फिर राणा कुंभा, राणा सांगा, और देन महाराणा प्रताप। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट लेक्चर की, और जो अब अगला लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 4। तो अब हमारा फोकस होगा लेक्चर 4 पर, और ये जो लेक्चर 4 होगा ये कौन सा होगा, तो अब हम बात करेंगे अर्ली मीडियवल पीरियड के बाद जो पीरियड आता है उसे हम बोलते हैं मीडियवल पीरियड यानी मध्यकाल। तो अब हम बात करेंगे मीडियवल पीरियड की या मध्यकाल की, और मध्यकाल का जो समय होता है वो होता है 1206 से लेकर 1707 तक का। मीडियवल पीरियड कहलाता है 1206 से लेकर कब तक, 1707 तक का। अब इस पूरे मीडियवल पीरियड में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम हम रखेंगे दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इस दिल्ली सल्तनत जिनका रूलिंग एरिया रहा है दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब या पूरा जो आसपास का रीजन रहा है दिल्ली सल्तनत का, उस पर रूल रहा है। और ये जो दिल्ली सल्तनत का समय है, जो टाइम है, जिस समय तक का शासनकाल कहलाता है दिल्ली सल्तनत का, वो है 1206 से लेकर 1526 तक का। 1206 से लेकर 1526 तक का जो शासनकाल है वो कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और इसी समय पर अगर हम बात करें टोटल 320 ईयर तक का ये जो पीरियड है, ये पीरियड कहलाता है दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो ध्यान रखिए, मध्यकाल के इतिहास में मीडियवल इंडियन हिस्ट्री के जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो 320 ईयर का जो टाइम आता है, उस टाइम को या उस पीरियड को या उस काल को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इस समय पर कैपिटल मेनली जो मुख्य राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, दिल्ली। और इस पीरियड में, इस काल में, इस समय पर रूल किया था 5 वंशों ने। इस समय रूल किया था दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर
कितने वंशों ने, 5 वंशों ने। तो ध्यान रखिएगा, अब हमारा जो 320 साल का टाइम होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इन 5 डायनेस्टीज को जो रूल करती थी उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर। और इसी वंश में से, इन्हीं वंशों में से एक वंश आएगा खिलजी वंश, जिसमें एक रूलर होंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो फर्स्ट रूलर कहलाएंगे जो अटैक करेंगे साउथ इंडिया में भी, और साउथ इंडिया के एक बड़े हिस्से को भी अपने किंगडम में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से इस डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इसी डायनेस्टी में सबसे पहली डायनेस्टी जो आती है वो आती है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। तो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को गुलाम वंश से, क्लियर। तो गुलाम वंश जिसके फाउंडर कहलाए जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी इसने रूल किया है बिटवीन 1206 से लेकर 1526 तक। और ये जो रूलिंग रही है ये रही है 320, इट मीन्स कि 320 ईयर्स या 320 ईयर्स। और इन 320 सालों में जो 5 डायनेस्टीज आई हैं वो हैं, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी इट मीन्स गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया है खिलजी डायनेस्टी इट मीन्स खिलजी वंश, और फिर आई है तुगलक डायनेस्टी इट मीन्स तुगलक वंश, और फिर आई है सैयद डायनेस्टी इट मीन्स सैयद वंश, और आखिरी की जो डायनेस्टी है वो हुआ करती है लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। और फिर से रूल शुरू हुआ था मुगलों का, या मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। और गुलाम वंश की अगर हम बात करें दिस वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश ही कहलाता है गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, और साथ ही भारत की भी या इंडिया की भी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी कहलाती है, या पहला मुस्लिम वंश कहलाता है कौन सा, गुलाम वंश, जिन्होंने भारत में शासन करना स्टार्ट किया। इस वंश का जो शासन काल रहा है वो रहा है 1206 से लेकर 1290 तक, इट मीन्स 1206 से लेकर 1290 तक ही शासन किया है किसने, गुलाम वंश ने या स्लेव डायनेस्टी ने, क्लियर। अब सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश के जो फाउंडर थे वो कौन हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया होगा, हमने पहले भी कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो आपसे जब भी हम कोई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं तो आपसे पहले ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाउंडर के ऊपर या संस्थापक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फाउंडर या संस्थापक की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन कर पाया था 1206 से लेकर 1210 तक ही, यानी 1206 से 1210 तक ही शासन कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इट मींस कि ओनली 4 ईयर तक ही रूल कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर। देखिए, 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पर या दिल्ली सल्तनत के पहले शासक के तौर पर रूल किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो ही वॉज द स्लेव एंड ही वॉज वन ऑफ द स्लेव एंड साथ ही सन इन लॉ ऑफ गौरी। यह गौरी का एक गुलाम और साथ ही उसका क्या हुआ करता था, दामाद भी हुआ करता था। देखिए, अब हम गौरी की बात करें तो गौरी ने भारत में आक्रमण किया था 1175 में। सबसे पहला आक्रमण हुआ था उसका 1175 में मुल्तान और उच्च पर, जहां पर भट्टी कास्ट के राजपूत रूलर्स रूल किया करते थे। और उसके बाद उसने अगला टारगेट अपना बनाया था, क्योंकि वो वहां से लूट कर वापस चला गया था। और फिर उसने टारगेट किया गुजरात को 1178 में, पर वहां से उसे शिकस्त खानी पड़ी, उसे हार मिली, क्योंकि वहां पर रूल कर रहे थे मूल राज सेकेंड नामक शासक, जिन्होंने उसे पराजित कर दिया। और फिर वापस लौटने के बाद उसने सिंध और कश्मीर वाले हिस्से को जीत लिया, और फिर उत्तर भारत में आ गया, या उत्तर भारत में अटैक करने के या आक्रमण करने के अभियान शुरू किए। और तभी उसका आक्रमण हुआ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसमें अगेन उसे शिकस्त मिली। और फिर अगले ही साल उसने फिर तैयारी करी और फिर अटैक किया 1192 में, जिसमें उसे विजय मिली, जो कि था तराइन का दूसरा युद्ध। इसके बाद 1193 में ही उसने अपनी कैपिटल स्टेब्लिश कर ली, किसे, दिल्ली को। 1193 में
गोरी ने अपनी राजधानी बना ली थी किसे, दिल्ली। और 1194 में उसने फिर एक युद्ध लड़ा किसके साथ, कन्नौज के शासक गढ़वाल वंश के सब के एक महान शासक कहा जाता है जिन्हें जिनका नाम था जयचंद। और जयचंद को हरा कर उसकी हत्या करके उस रीजन को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और 1194 में ही गोरी ने अपने पूरे रीजन का, पूरे एरिया का, पूरी टेरिटरी का जो उसने भारत में जीत लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, उसका केयरटेकर बना दिया अपने गुलाम और अपने एक दामाद को जिसका नाम क्या हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम या दामाद को अपना केयरटेकर बनाकर वो लौट गया कहाँ, कहाँ जहां से वह आया था, इट मींस गजनी, तो वो लौट गया गजनी। लेकिन गजनी जाने से पहले या गजनी से लौटने से पहले उसने अपने दामाद और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आकर ये बात कही कि इंडिया में आक्रमण करने का हमारा जो टारगेट था वो था एक तो यहाँ पर शासन की स्थापना करना या हमारा रूल शुरू करना, और चूंकि मुस्लिम रूल हमने शुरू कर दिया है, अब हमारा जो दूसरा टारगेट था वो था मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और ये ड्यूटी मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूँ, और तुम्हें ही भारत में या इंडिया में मुस्लिम धर्म का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। और 1194 में ये ड्यूटी कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गोरी वापस लौट गया। फिर लौटने के बाद 1205 में वो पुनः वापस आया और एक साल भारत में रुका और 1206 में वापस जाने लगा। और जब वो वापस जा रहा था तो उसे छोड़ने के लिए इल्तुतमिश उसके साथ गया, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर एक हमला हो गया जाटों और खोखर जनजाति के या खोखर जाति के जाटों के द्वारा। और जैसे तैसे इल्तुतमिश ने उसकी जान बचाकर उसे गजनी लेकर गया, लेकिन गजनी में 1206 में ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो ये जो पूरा साम्राज्य था गजनी से लेकर इंडिया तक का, गजनी अफगानिस्तान से लेकर भारत का, ये जो पूरा रीजन, इतना बड़ा जो एम्पायर उसने बनाया था, उस एम्पायर पर कौन रूल करेगा, कौन शासन करेगा, इसकी बहस शुरू हो गई। और चूंकि इस पूरे रीजन का स्वामी कौन हुआ करता था, कौन हुआ करता था, गोरी। चूंकि गोरी की डेथ हो गई है, अब उसकी डेथ के बाद ये जो पूरा रीजन था वो उसके तीन गुलामों ने आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या बांट लिया। और अगर हम उसके तीन गुलामों की बात करें तो वो थे कुबाचा, यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि उसके चार सबसे फेवरेट गुलाम हुआ करते थे, जिसमें एक नाम और था जो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्लियर, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी और उसे तहस नहस किया था। हालांकि जब साम्राज्य का बंटवारा हुआ तो तीन गुलामों को में वो साम्राज्य बांटा गया। यल्दोज नामक जो गुलाम था उसे मिला गजनी वाला क्षेत्र, कुबाचा नामक जो गुलाम था उसे मिला काबुल और कांधार वाला क्षेत्र, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला लाहौर और दिल्ली वाला पूरा रीजन। तो चूंकि लाहौर की जनता के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर पर ही रूल करना शुरू किया, लाहौर पर ही शासन करना शुरू किया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो किस तरह से उनके हाथ में शासन आया था 1206 में, और वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, लाहौर में। अच्छा, एक और बात, 1194 में जब गोरी इंडिया से गया तो उसने ड्यूटी देकर गया किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्या करने की, भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने की। तब 1194 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिदों के निर्माण करना शुरू कराए, और 1194 में ही उसने भारत की पहली मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली में उसने बनवाई कुबत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में उसने बनवाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वो भी एक मस्जिद हुआ करती थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक जैन मंदिर हुआ करता था उस जगह पर, उसे उसके स्थान पर उसे तुड़वा कर वहां पर बनवाई गई अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक क्या हुआ करती थी, मस्जिद। इस तरह उसने दो मस्जिदें बनवाई 1194 में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और साथ ही 1199 में उसने निर्माण कार्य शुरू कराया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का जो निर्माण किया जा रहा था वो उसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर करवाया था या उनकी मेमोरी में करवाया था। किसका निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा 1194 में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था कुबत उल इस्लाम मस्जिद। और 1194 में ही एक और मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा।
और 1199 में 1199 में एक मीनार का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था कुतुब मीनार, और यह भी बनवाई गई थी दिल्ली में। कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण स्टार्ट करवाया है, कंप्लीट नहीं करवा पाया, खाली स्टार्ट कराया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की मेमोरी में, अपने टीचर की मेमोरी में, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चलिए, ये कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट हुआ था 1229 यानी कि लगभग 30 साल के बाद 1229 में। इनके बाद जो अगले रूलर आए थे, जो इन्हीं के गुलाम या दास हुआ करते थे, जिनका नाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था 1229 में। क्लियर, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट मीनार कहलाता है, सबसे ऊंचा मीनार कहलाता है कुतुब मीनार। तो ये बात हो गई पहले की, 1206 से पहले की जो काम हुए वो। अब जब ये रूलर बना, जब ये शासक बना, तब की हम बात करते हैं। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि गोरी का ही एक गुलाम था और एक दामाद था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इनिशियली लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर इसने हिंदुस्तान में मुस्लिम वंश की स्थापना करने से मना कर दिया था। इनिशियली उसने मना कर दिया था कि इंडिया में मैं मुस्लिम धर्म की स्थापना नहीं करूंगा, लेकिन लाहौर की जनता के आग्रह पर, लाहौर की जनता के रिक्वेस्ट पर इसने एग्री किया, इसने कबूल किया और इस्टेब्लिश की भारत में फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, भारत में पहला मुस्लिम वंश। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को यहां पर, कि इनिशियली लेवल पर गुजरा जो है इसने डिनाय कर दिया था, मना कर दिया था, बट व्हेन द पब्लिक ऑफ लाहौर रिक्वेस्टिंग हिम, जब लाहौर की जनता ने इससे रिक्वेस्ट की, तब इसने भारत में या इंडिया में फर्स्ट गुलाम या सॉरी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, बात होगी क्लियर कि ही इस्टेब्लिश फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया इन 1206 में। दूसरी बात, अगर गोरी के समय की बात की जाए तो गोरी ने 1193 में अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी, किसे, दिल्ली को। तो गोरी के समय भारत की या गुलाम या इन मुस्लिम रूलर्स की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर रूल कर रहा था, लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की पहली जो राजधानी बनाई वो किसे बनाई, लाहौर को। तो ध्यान रखिएगा, ही एस्टेब्लिशेस फर्स्ट कैपिटल इन लाहौर, इसने अपनी पहली राजधानी ही किसे बनाया था, लाहौर को। दिल्ली अभी राजधानी नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की पहली राजधानी किसे एस्टेब्लिश किया, लाहौर, लाहौर को। इट मींस हिज फर्स्ट कैपिटल वाज लाहौर, लाहौर ही इसकी पहली राजधानी रही। चलिए अब आगे चलते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर से पूछे जाने वाले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन वो तो है ही है, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, वो पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस शब्द का, इस नाम का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक या ऐबक शब्द का क्या मतलब होता है, ऐबक शब्द का क्या मतलब होता है, यहां से यह पूछा जाएगा ऐबक शब्द का मीनिंग क्या है। तो ऐबक शब्द का मीनिंग होता है गॉड ऑफ मून्स, क्या होता है, गॉड ऑफ मून, इट मींस चंद्रमा का देवता, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, इस शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्लियर, शासक बनने के बाद ऐबक ने, देखिए जब ये रूलर बन गया, जब ये शासक बन गया, तो शासक बनने के बाद ऐबक ने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान दिया, लाखों रुपए डोनेट किए। क्योंकि इसने लाखों रुपए डोनेट किए, इसीलिए हिज पब्लिक गेव हिम द टाइटल लाखबख्श, इसीलिए इसकी जनता ने इसे उपाधि दी, कौन सी उपाधि दी, लाखबख्श की उपाधि दी। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ द डोनेटिंग ऑफ लार्ज अमाउंट टू हिज पब्लिक गेव हिम द टाइटल लाखबख्श। लाख वक्स, तो ध्यान रखिएगा, हिज अनदर टाइटल वॉज लाख वक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी, एक इंपॉर्टेंट जो गुण था, वो ये था कि ये काफी अच्छा पढ़ते थे, काफी अच्छा गाया करते थे कुरान को,
ये कुरान को काफी अच्छे तरीके से पढ़ते थे, काफी सही तरीके से पढ़ते थे, काफी मेल्यूडियसली पढ़ते थे, इसीलिए इन्हें कहा गया कुरान खान। तो इनकी एक और उपाधि हुआ करती थी, दैट इज कुरान खान। हिज अनदर वन अनदर टाइटल वाज कुरान खान। क्योंकि ये कुरान काफी अच्छे से पढ़ते थे और जब ये कुरान पढ़ते थे तो लोगों को सुनने में काफी अच्छा लगता था, इसलिए इन्हें कहा गया कुरान खान। और चूंकि इन्होंने लाखों का दान दिया अपनी जनता को, इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई लाख बख्श की भी। चलिए आगे चलते हैं और आगे गौर करते हैं अगले पॉइंट पर जो रिलेटेड होगा कुतुबुद्दीन ऐबक से। देखिएगा अब यहाँ पे जब ये सिंहासन पर बैठा, जब ये गद्दी पर बैठा और शासन करने लगा, तो क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और एक सेनापति था, समझे। मैंने आप लोगों को बताया कि 1194 में ही गोरी ने एक सेना भेजी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में, किसके ऊपर, कन्नौज के शासक के ऊपर। जिनका नाम था जयचंद। 1194 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के लीडर थे, इस युद्ध में गोरी की सेना के जो लीडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने तीर से हत्या कर दी थी, या अपने तीर से मार दिया था जयचंद को, जब जयचंद अपने हाथी पर बैठा हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने तीर से अपने बाण से मार दिया था किसे, जयचंद को। इस युद्ध के जीतने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था वो किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को, या उस जीत के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपॉइंट कर दिया गया था सेनापति, क्योंकि पहले जो गोरी का सेनापति था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसकी जगह पर सेनापति अपॉइंट कर दिया गया किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बिकॉज ऑफ हिज इंपॉर्टेंट रोल इन द बैटल ऑफ चंदावर दैट फॉट इन 1194 विथ द रूलर ऑफ कन्नौज वॉज जयचंद। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल होने के कारण इसे सेनापति, इट मींस कमांडर इन चीफ, अपॉइंट कर दिया गया था 1194 में। अब यहां पे अगर बात करें तो जब ये शासक बना, क्योंकि ये पहले क्या था, ये पहले गोरी का एक गुलाम था या दामाद था, और साथ ही क्या था, सेनापति था, इट मींस कमांडर इन चीफ था, क्लियर। तो इसने जब ये शासक बना तो इसने कभी भी राजा की गद्दी पर यह नहीं बैठा है, कभी भी ये राजा के सिंहासन पर नहीं बैठा, ये हमेशा कमांडर इन चीफ इट मींस सेनापति की गद्दी पर ही बैठा है। ध्यान रखिए इतिहास में एक लौता शासक, ओनली द वन रूलर इन हिस्ट्री, जिसने कभी भी अपने सिंहासन का उपयोग नहीं किया, जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा है, वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब गजनी भारत में आया तो उसने, वह गजनी भारत का पहला मुस्लिम रूलर था या पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं उसी टॉपिक में कि सुल्तान जो उपाधि हुआ करती थी वो खलीफाओं के माध्यम या खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी, और खलीफा कौन थे, खलीफा थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के रिलेटिव्स के रिश्तेदार, या उनके वंशज को ही खलीफ या खलीफा कहा जाता था, खलीफा ही टाइटल देते थे सुल्तान की। चूंकि अगर गजनी की बात की जाए तो उसने ये उपाधि खुद ही धारण कर ली थी, ना कि खलीफाओं ने उसे दी थी। तो भारत का पहला व्यक्ति जिसने, या पहला शासक जिसने खलीफा, जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, वो कौन था, वो था गजनी। और जब गोरी आया तो गोरी ने भी अपने आप को सुल्तान कहलवाया या सुल्तान की उपाधि ली, लेकिन कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, समझ गए, कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और जब, बल्कि जब ये सिंहासन पर बैठा, जब ये गद्दी पर बैठा, तो इसने जो उपाधि ली वो ली सिपाह सलहार की। तो ध्यान रखिएगा जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने उपाधि कौन सी ली थी, सिपाह सलहार। और सिपाह सलहार शब्द का मतलब ही होता है कमांडर इन चीफ। इस टर्म का या इस शब्द का मीनिंग ही होता है कमांडर इन चीफ। इट मींस सेनापति, क्लियर। तो सिपाह सलार के टाइटल के साथ ही शासन किया, और इसने शासन किया ओनली 4 ईयर, यानी 4 साल ही ये शासन कर पाया था, 1194 से, सॉरी 1206 से
1206 से या 1206 से 1210 तक, क्लियर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था लाहौर में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था लाहौर में, तब इसने अपने एक गुलाम या अपने एक दास को ही, अपने एक गुलाम और उसी का दामाद हुआ करता था वो, जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसे अपॉइंट किया था बंदायूनी का गवर्नर या बंदायूनी का राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, ही अपॉइंटेड हिस स्लेब, ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिस स्लेब और सन इन लॉ इल्तुतमिश टू द गवर्नर ऑफ बंदायूनी। बंदायूनी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बंदायूनी में इसने अपने एक दामाद और अपने एक गुलाम को अपॉइंट किया है एज अ गवर्नर, एज अ राज्यपाल, क्लियर। 1200, अब ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए 1210 में ही एक दिन या एक समय पर जब ये चोगान खेल रहा था, चोगान का मतलब होता पोलो, पोलो इट मीन जो हॉर्स पर बैठकर गेंद को मारने वाला और गेंद को गड्ढे में डालने वाला जो खेल होता है उसे बोलते हैं चोगान। जनरली चोगान या पोलो जो खेल होता है वो हमेशा शाही लोग ही खेला करते हैं, इट मीन्स जो रूलर्स या जो शासक होते हैं, राजा महाराजा लोगों का खेल कहा जाता है। पोलो या चोगान को किसका खेल कहा जाता है? राजा महाराजाओं का खेल। तो आम लोग वो खेल जनरली नहीं खेला करते हैं। तो एक दिन 1210 में एक बार जब ये चोगान या पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते हुए अपने ही घोड़े से गिरने के कारण, अपने ही घोड़े से जब ये नीचे गिर गया तो इसी उसी कारण उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ध्यान रखिएगा, he was dead by falling from the horse while he was playing polo, क्लियर। ही वॉज डेड बाई फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स वाइल ही वॉज प्लेइंग पोलो। तो पोलो खेलते हुए ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरने के कारण। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहाँ मरा था? अगर बात की जाए इसकी डेथ कहाँ हुई थी, तो इसकी डेथ हुई थी कहाँ पर? लाहौर में। इसलिए इसका जो मकबरा है या जो समाधि है या जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? वो है लाहौर में। तो ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? लाहौर में। और इतिहास में एक क्वेश्चन ये आएगा कि एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, तो भी आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही एकमात्र शासक थे जिनकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण, और इसी कारण ये रूल कर पाए सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 साल, 1206 से 1210 के बीच में। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इन्हीं का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था आराम शाह। वह अगला शासक बना दिल्ली सल्तनत का, उसने रूल करना शुरू कर दिया 1210 में, लेकिन योग्य नहीं होने के कारण ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। चलिए फिलहाल कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सब मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। लेकिन अगर एग्जाम में यदि कोई अन्य क्वेश्चन या कोई अलग क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमारे लिए काफी दुख की बात होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जितनी ज्यादा तैयारी कर सके, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकें किसी भी जगह से, किसी भी बुक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो लगाने की कोशिश करिए। और हम कोशिश करेंगे, हम लेकर आएंगे कि आपको हर एक टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दें, ताकि अगर किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन छूटा है तो वो क्वेश्चन भी क्या हो जाए? कवर हो जाए। चलिए तो हम बात करेंगे आराम शाह के बारे में। देखिए अभी यहाँ पे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने के कारण जब मृत्यु हुई 1210 में, इट मींस ही डेड इन 1210 या 1210 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स। तो घोड़े से गिरने के कारण जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद लाहौर में ही इनका एक पुत्र अगला शासक बन गया, अगला रूलर बन गया, किस डायनेस्टी का? गुलाम डायनेस्टी का, जिसका नाम हुआ करता था आराम शाह। इट मींस आफ्टर डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी हु वाज आराम शाह। और आराम शाह की अगर बात की जाए तो आराम शाह शासक बना 1210 में, और वह शासन कर पाया 1211 तक। आराम शाह के शासक बनने की बात पसंद नहीं आई किसे? बंदायूनी के या बंदायू के गवर्नर जो हुआ करते थे इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश जो गवर्नर था, जो राज्यपाल था, कहाँ का? बंदायू का। उसने कहा चूंकि ये गुलाम वंश है, चूंकि ये स्लेब डायनेस्टी है, और स्लेब डायनेस्टी में जो रूलर होते हैं वो हमेशा स्लेब या गुलाम ही होते हैं। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम और एक दामाद थे, किसके? गोरी के। और इस दृष्टि से या इस हिसाब से देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन हूँ? मैं हूँ। इट मीन्स कौन?
इल्तुतमिस, तो इल्तुतमिस ने कहा चूंकि मैं ही एक्चुअल में सही हकदार हूं, सही सक्सेसर हूं किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि मैं गुलाम हूं उनका और मैं उन्हीं का क्या हूं, दामाद हूं। क्योंकि ये गुलाम वंश है इसलिए शासक बनने का अधिकार सिर्फ गुलामों को ही होगा, ना कि वंशानुगत जो पुत्र हैं उनको होगा। तो वो अपनी सेना को लेकर निकला, कहां से, बंदायूनी से, बंदायूनी से या बंदायू उत्तर प्रदेश से वो अपनी सेना को लेकर निकला और लाहौर से डिफेंड करने के लिए निकला आराम शाह। और दोनों के बीच में पंजाब में जूड़ नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया 1211 में। तो ध्यान रखिएगा, द बैटल ऑफ जूड़ या जूड़ का युद्ध हुआ था 1211 में। एंड इन दिस बैटल, इस युद्ध में इल्तुतमिस किल्ड आराम शाह, इल्तुतमिस ने मार दिया किसे, हत्या कर दी किसकी, आराम शाह की। तो ध्यान रखिएगा कि 1210 से 1211 एक छोटे से पीरियड या कुछ मंथ के पीरियड तक ही रूल कर पाया था आराम शाह, और उसी की हत्या कर दी थी किसने, इल्तुतमिस ने। क्योंकि इल्तुतमिस का कहना यह था कि चूंकि ये गुलाम डायनेस्टी है और इस डायनेस्टी में जो शासक होगा वो हमेशा गुलाम ही होगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, मैं स्वयं हूँ, इट मीन्स इल्तुतमिस है। इसीलिए इल्तुतमिस ने मार दिया किसे, आराम शाह को, या युद्ध में हरा दिया, और उस युद्ध को कहते हैं जूड़ का युद्ध, द बैटल ऑफ जूड़, जो जगह है पंजाब में। तो पंजाब में जूड़ के युद्ध में इन्होंने पराजित किया आराम शाह को। अब इसके बाद अगले जो रूलर बने हैं दिल्ली सल्तनत के, वो बने हैं इल्तुतमिस। इल्तुतमिस ने रूल कर पाए हैं, इल्तुतमिस ने शासन किया है लगभग 1211 से 1236 तक, और इनके इन्हें ही माना जाता है, इल्तुतमिस को ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इट मींस रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, राजधानी को लाहौर से ट्रांसफर कर दिया था, या राजधानी लाहौर से दिल्ली में ट्रांसफर करवा दी थी। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर। चलिए, तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले शासक के बारे में, जिनका नाम होगा इल्तुतमिस, जो रूल कर रहे थे या जिन्होंने रूल किया था 1211 से 1236 तक।